मॉर्निंग क्लास थर्ड. इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट लॉन्ग डिविजन मैथड, डिवाइडिंग टू डिजिट नंबर्स बाई वन डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर्स को वन डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है. मैं आपको एक बार फिर से कॉपी पर समझा रही हूँ, बुक में पूरा सॉल्व है लेकिन कॉपी पर स्टार्टिंग से क्या करना है. 42 को डिवाइड करना है 2 से. तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे. डिवीजन करने के लिए सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हम यहां लिखेंगे, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो हम यहां लिखेंगे, और इसके बाद हम डिवीजन शुरू करेंगे. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 वन 2, 2 2 4, तो ये 2 टाइम्स गया. जितने बार जा रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जो नंबर आंसर में आ रहा है 2 2 4 4 हम यहाँ लिखेंगे. यहाँ माइनस का सिंबल, और ये 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा. इसके बाद 2 के नीचे हम एरो बनाएंगे और 2 को हम यहाँ पर नोट करेंगे. इसके बाद अब 2 से फिर 2 को डिवाइड करना है, 2 वन 2, 1 बार जा रहा है, 1 हमने लिखा यहाँ पर, और इसके बाद 2 वन 2, 2 आएगा, तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पर. माइनस का सिंबल लगाएंगे और इसके बाद माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस जब हम करेंगे तो आंसर मिलेगा 0. अब ये जो नंबर है ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ जो हम डिजिट लिखते हैं वो डिविडेंड होती हैं, और यहाँ जो हमको आंसर मिलता है वो होता है क्वेश्चन, QUOTIENT. ठीक, नीचे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी ये 0 है, लेकिन अगर यहाँ पर आंसर बचता है, आगे की एक्सरसाइज में आएगा, तो उस आंसर को रिमाइंडर कहते हैं. वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी जिस एक्सरसाइज पर आएगा वो मैं आपको क्लियर करूंगी. तो यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर को हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया. इसके बाद है आपका 3 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर. एक एग्जाम्पल में 3 डिजिट नंबर का भी आपको करके बता रही हूँ. यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 426 बाई 2. सेम ऐसे ही इसको भी हम अरेंज करेंगे. जिस नंबर से डिवाइड करना है वो हम यहां लिखेंगे, यानी डिवाइजर, और जिस नंबर को, जिन डिजिट्स को हमको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होती हैं, उनको हम लिखेंगे यहां पर 426. अब डिवाइड करना शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा 4. 2 के टेबल में हमारा 4 आता है, कितने बार आता है, 2 बार आता है, 2 2 4. 2 ऊपर लिखा, 4 नीचे लिखा, माइनस का सिंबल लगाया, 4 में से 4 माइनस किया, 0 मिला. इसके बाद हम एरो लगाएंगे और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 वन 2. पहले 2 यहां हम नोट करेंगे, उसके बाद फिर यहां पर 2 लिखेंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 0. इसके बाद हम फिर से एरो लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक, और यहां हमारा 6 है, 6 हम इसको यहां नोट करेंगे. अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 2 3 6. इसको यहां पर 3 लिखा, 6 यहां लिखा, माइनस का सिंबल लगाया, और 6 में से 6 माइनस किया, हमको मिला 0. ये हुआ हमारा 3 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर. इसके बाद हमारा आता है 4 डिजिट नंबर
बाय वन डिजिट नंबर। एक एग्जांपल मैं आपको फोर डिजिट नंबर का भी बता रही हूं, डिवाइड करना है 2864 बाय टू। इसको भी पहले अरेंज करेंगे हम, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो हमने लिखा है यहां पर, इसके बाद जिन डिजिट्स को हमको डिवाइड करना है वो हम लिखेंगे यहां पर 2864। अब डिवाइड करेंगे, टू के टेबल में टू वन टाइम आता है, वन यहां लिखा, यहां टू लिखा, माइनस लगाया, टू में से टू माइनस किया, जीरो मिला। इसके बाद यहां एरो लगाया, एट यहां नोट किया, टू के टेबल में एट, टू फोर जा एट, फोर टाइम्स आता है, टू फोर जा एट, एट लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, एट में से एट माइनस करेंगे, जीरो मिलेगा। इसके बाद फिर से एरो यहां तक बनेगा, यहां हम सिक्स नोट करेंगे, और टू के टेबल में सिक्स आता है थ्री टाइम्स, टू थ्री जा सिक्स, यहां हमने लिखा सिक्स, माइनस का सिंबल लगाया, सिक्स में सिक्स माइनस किया, जीरो मिला। इसके बाद अब फिर एरो बनाएंगे यहां तक, और यहां हम नोट करेंगे फोर, टू के टेबल में फोर, टू टाइम्स, टू टू जा फोर, यहां फोर लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, और इसको माइनस करेंगे, फोर में से फोर माइनस करेंगे, हमको मिलेगा जीरो। तो यहां पर हमने टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, और फोर डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, ये डिवीजन करना सीखा। और ये लॉन्ग मेथड है, आपको डिवीजन करने के लिए ये एरो लगाना बहुत जरूरी है, और एरो इसी तरीके से लगाए जाएंगे, जिस नंबर पर जो डिजिट नोट की जाएगी उतना ही एरो बनेगा। ये सेकेंड टाइम है, ये यहां तक एरो बना, ये थर्ड टाइम है, ये यहां तक एरो बना, और ये फोर्थ टाइम है, यहां तक एरो बना। अब सेम ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 5C अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करनी है। सबसे पहले आप सम इस तरह से नोट करेंगे, उसके बाद इस तरह से अरेंज करेंगे, और उसके बाद डिवीजन करेंगे, और एरो जरूर लगाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।